Okay, so hi everyone. This is the second video of our full YouTube course with complete SEO. In previous video, I taught you how to create a YouTube channel from scratch. We made a logo also for the channel and humne uski SEO settings bhi kari thi. Now, if you didn't watch that video yet, you can watch that video also by clicking on I button and I will provide a link in description also. Now, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर अवर वीडियो कि उसका टाइटल SEO फ्रेंडली हो ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस में आए एंड ऑब्वियसली उसी से आपकी चैनल की ग्रोथ होगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. ओके, सो कम हियर ऑन यूट्यूब. नाउ जिस भी कैटेगरी रिलेटेड आपका चैनल है एंड जो भी वीडियो आपने बनाई है उसका जो भी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको सर्चेस करनी है, ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड आपका टाइटल. सो इफ़ यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट कीवर्ड्स यू कैन टाइप ऑन सर्च यूट्यूब सर्च ऑल्सो एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया देन यू कैन गेट द आइडियाज़ रिगार्डिंग कीवर्ड्स ऑन जस्ट कम हेयर टाइप keyword.io. This is the free website. From here you can get so many keywords ideas. Like अगर आपका channel cooking से related था तो आप search कर सकते हो cooking. ये loading ले रहा है, अब आपको बता रहा है keywords for cooking. अब आप देखो यहाँ पर इतने सारे इसने keywords आपको दे दिए और ये वो keywords हैं जो usually YouTube पर लोग search कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स के रिलेटेड वीडियोस को देख रहे हैं. सो ये आपका एक कंटेंट आपको मिल गया कि हाँ मुझे जो अपना टाइटल रखना है वो इनमें से रखना है. नाउ आप क्या कर सकते हो, इसमें को क्लिक कर सकते हो वन बाय वन जो आपको पसंद आ रहा है. बेसिकली आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइटल्स लाइक शॉर्ट वन एंड लॉन्गर वन. द शॉर्ट वंस आर कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं इनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है. बेसिकली क्या होता है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं जैसे ये हो गया, ये वाला हो गया ऑफ विच टाइप ऑफ टेक्स्ट, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं इनका कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता. इस पर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को रैंक करवा सकते हो ईजिली अगर आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हो. सो आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इफ़ यू आर ए बिगिनर एंड अगर आपका चैनल ऑलरेडी ग्रो हो चुका है तब आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो. सो आप वन बाई वन यहाँ से कॉपी कर सकते हो फिर आप देखोगे जैसे ही आप कॉपी करोगे ये राइट साइड में आपका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यहाँ से आप डायरेक्टली लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे कॉपी कर सकते हो. आपने कंट्रोल सी दबाया ये कॉपी हो गया. अब इसे आप एक जगह स्टोर कर लो. मैंने यहाँ पर इसे स्टोर कर लिया नोटपैड ओपन करके एंड कंट्रोल वी प्रेस करा, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो गए. एक तरीका और है इसे करने का, इसमें आप ऐड ऑल करोगे तो सारे क्लिक हो जाएंगे और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये मांग रहा है साइन अप. इसमें आपको साइन अप में बस अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, देन ये फ्री साइन अप हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको ये सारे कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे देगा. ओके थर्ड, और आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ से कॉपी करके वन बाय वन, इट इज़ ए मैनुअल मेथड तो आप जितना आपको अच्छा लग रहा है वहाँ तक आपने कॉपी करा, सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल सी दबाया और नोटपैड में आके आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया. सो ये आपके कीवर्ड्स यहाँ पर सारे पेस्ट हो गए. नाउ अब आपके पास आइडियाज़ हैं कि मैं अपनी वीडियो का टाइटल इनमें से रख सकता हूँ और ये वो कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली सर्चेस में आ रहे हैं, जो लोग यूजली जिन पे वीडियो बना रहे हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं, ये वो टाइटल्स हैं. तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है. बेसिकली जो YouTube जो Google का जो बेस्ट टारगेटेड लेंथ है कीवर्ड्स की वो आपकी 70-80 कीवर्ड्स की है, 70-80 कैरेक्टर्स की, और मैक्सिमम टाइटल में 100 कीवर्ड्स अलाउ 100 कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं एंड जो आपको SEO फ्रेंडली
टाइटल रखना है, वो आपको 60 to 70 या 70 to 80 मैक्सिमम इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। सो आपके पास कंटेंट आ गया keyword.io इस वेबसाइट से। मैं आपको एक और फ्री वेबसाइट बताता हूँ, एक है SOOVLE.com। इसमें इस सर्च इंजन में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं लाइक विकिपीडिया, यूट्यूब, amazon.com, याहू, आप कुछ चीज़ सिलेक्ट करोगे, कुछ भी चीज़ आप टाइप करोगे लाइक COOKING कुकिंग, तो यूट्यूब का ये सेपरेट बताएगा कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, लाइक कुकिंग वीडियोस, कुकिंग चैनल्स ऑन यूट्यूब, कुकिंग रेसिपीज, कुकिंग ट्री, कुकिंग विद जैक, कुकिंग म्यूजिक, ये यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं और इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। और ऐसे गूगल पे कुकिंग से रिलेटेड ये चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कुकिंग विद पेरिस, कुकिंग क्लासेस नियर मी, कुकिंग क्लासेस फ्रेडरिक MD, लाइक दिस। सो यहाँ से भी आप एक आइडिया ले सकते हो। ओके, सो आपके पास अब कंटेंट आ गया यहाँ से, और SOOVLE यहाँ से। नाउ आपके पास अब बहुत सारा कंटेंट है, आप यहाँ से कॉपी करके नोटपैड में एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ अब आपको ये जो आपने कंटेंट कलेक्ट किया है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि क्या बेस्ट कंटेंट रहेगा मेरे लिए। ओके, सो इसके लिए आप कर सकते हो विड IQ, ये एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। इसे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, आप न्यू टैब ओपन करें, इसमें एप्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर वेब स्टोर में आप जाओगे। आफ्टर डैट आप यहाँ सर्च करो VIDIQ, विड IQ, प्रेस एंटर। आप इस ये वाली एक्सटेंशन ओपन आप कर लो। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस एक्सटेंशन, दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग रिमूव फ्रॉम क्रोम। बेसिकली आप जब इंस्टॉल कर रहे होगे, आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा एड टू क्रोम। सो आप यहाँ एड टू क्रोम कर लोगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको पैनल में शो होने लग जाएगी। फिर आप यहाँ क्लिक करना और उसके बाद इस पे पिन वाले आइकन पे क्लिक करके आप उसे यहाँ पर अपने उसमें आइकन बॉक्स में शो कर सकते हो। ओके, सो जब आपके पास ये विड IQ एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो जाएगी, तब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने सपोज एक ये वाला सिलेक्ट कर लिया, एक कुकिंग एक पोइम, Ctrl+C। नाउ जब आप इसे YouTube पे सर्च करोगे, Ctrl+V प्रेस करके एंटर करोगे, तब ये विड IQ एक्सटेंशन आपको बताएगी। ओके, ये ओपन हो रहा है, यस ये ओपन हो गया। तो इसकी पूरी डिटेल्स ये विड IQ एक्सटेंशन आपको देगा, लाइक ये जो सर्च टर्म में इसने दिखा दिया एक कुकिंग एक पोएम, ये टाइटल आपने सर्च करा है, इस पे हाईएस्ट व्यूज़ टोटल अब तक कितने आ गए, ये इतने हाईएस्ट व्यूज़ हैं अब तक, एवरेज व्यूज़ जो हैं वो इतने हैं अब तक, इस टाइटल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने हैं, और इस टाइटल को ट्रेंडिंग में आते आते सर्च कितना टाइम हो गया, इसे 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेंटर में है, ये 41 आपको दिखा रहा है, लेकिन जो इस पे कंपटीशन है ये आपने देखा वेरी हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको ये कीवर्ड टारगेट नहीं करना, बिकॉज इस पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो इसे आप अपनी लिस्ट से रिमूव कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद मैंने इसे करता हूँ, बेस्ट कुकिंग ऑयल ब्रांड फॉर हार्ट पेशेंट्स इन इंडिया, Ctrl+C। नाउ मैं यहाँ पर आया यूट्यूब पे, सर्च बॉक्स में मैंने इसे पेस्ट करा, एंटर दबाया, यस। सो आपने इस पे देखा जो हमारा पिछला वाला टाइटल था उस पे कंपटीशन वेरी हाई था, इस पे कंपटीशन हाई है, इसको भी आपको टारगेट नहीं करना, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडिंग कीवर्ड है, बिकॉज इस पे ऑलरेडी जो ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। सो आपको अपने टाइटल में इस कीवर्ड को भी कंसीडर नहीं करना। इसे आप चूज करा, कॉपी करके इसे आपने पेस्ट कर दिया। लेट इट बी ओपन।
इस पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो बेसिकली जो कुकिंग चैनल्स हैं उन पे जो कंपटीशन है यूजुअली वो हाई है। सो इसलिए आपको कुकिंग चैनल्स के लिए बहुत सोच समझ के अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। सो मैंने आपको ये बताया एक keywords.io जहाँ से आप कीवर्ड्स की लिस्ट फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। राइट, आप इस वेबसाइट SWVLE यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हो। नाउ आपको जो ये वाला चीज़ है विद IQ एक्सटेंशन, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इसकी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। लाइक आप जो कीवर्ड्स हैं वो मैक्सिमम 3, 4 या 5 ही हैं आई थिंक, इससे ज़्यादा आप सर्च नहीं कर सकते। जैसे आपने ये इस यहाँ पर क्लिक करा, 3 बार्स, 3 हॉरिजॉन्टल बार्स जो आ रही हैं इस पर आपने क्लिक करा, आप जाओगे कीवर्ड इंस्पेक्टर तो ये ओपन हो जाएगा। नाउ आप लिखो अपनी वीडियो के रिलेटेड जो भी कीवर्ड आप चाहते हो टारगेट करना, कुकिंग डिश आपने लिखा, आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप उसने आपको दिखा दिए। इसने बेसिकली आपको 4 कीवर्ड्स दिखाए फ्री वर्जन में। कुकिंग डिश, इस पे कंपटीशन वेरी हाई है एंड इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1628 है। ये कुकिंग जो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है इस पे भी कंपटीशन वेरी हाई है लेकिन इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो कीवर्ड है इस पे भी वेरी हाई है, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम है। हाउ टू कुक, इसका भी वेरी हाई कंपटीशन है। तो आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना। नाउ कोई दूसरा टारगेट कीवर्ड आप सर्च करो, जैसे कुकिंग रेसिपीज 2021। नाउ कुकिंग रेसिपीज 2021, ये जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम 5000 ऑलमोस्ट की रेंज में है एंड जो कंपटीशन है वो हाई है इस पे। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तब। बेस्ट कुकिंग रेसिपी इन इंडिया 2021, मैंने इस कीवर्ड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। नाउ नो सी, इस पे भी आपको कंपटीशन बहुत हाई मिलेगा। सो बेसिकली मैंने आपको बताया जो कुकिंग जो नीश है इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोस्टली पीपल इस पे वीडियोस बना रहे हैं। सो आपने ये देखा कि यहाँ से जो है मैनुअल तरीका, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, इस पे आपको थोड़ा वक्त लगेगा। सो मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी वेबसाइट आपको बताता हूँ जिसमें आप फ्री कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री आपको पूरी लिस्ट मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। दैट नेम इज़ hsupertools.com। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब कीवर्ड टूल पे आप क्लिक करोगे। ओके, सो यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपका नीश रिलेटेड है, जिस भी नीश से आपकी रिलेटेड है, लाइक कुकिंग, प्रेस सर्च। नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ दैट कीवर्ड, 2 मिलियन पर मंथ सर्चेस आर देयर ऑन दिस कीवर्ड। डिफिकल्टी इज हाई एज आई ओनली टोल्ड यू दैट दिस कीवर्ड इज हैविंग वेरी हाई डिफिकल्टी। नाउ आपको जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, कुकिंग, कुकिंग सैम द कुकिंग गाय, इस पे सब पे डिफ़िकल्टी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। सो आपको हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड से दूर रहना है और आपको ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जिसका मंथली वॉल्यूम ज़्यादा हो एंड डिफ़िकल्टी उसकी थोड़ी कम हो। से यहाँ से आपने डिफ़िकल्टी क्लिक करी तो आपने देखा 5.99, 5.97, 5.96, ये डिफ़िकल्टी रेंज वाले आपको कीवर्ड्स मिल गए, राइस एंड बीन्स। इसका मंथली वॉल्यूम है 15906। नाउ द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ मीडियम, नॉट हाई, नॉट हाई, नॉट वेरी हाई। सो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो अपनी वीडियो के टाइटल में। कंट्रोल कॉपी, आप सेपरेट जगह इसे पेस्ट कर सकते। ओके, सो मैंने एक कीवर्ड को टारगेट कर लिया, राइस एंड बीन्स, बिकॉज इस पे जो डिफ़िकल्टी है वो ज़्यादा हाई नहीं है और इसका मंथली वॉल्यूम भी
अच्छा खासा है, 15,000 है। ओके सो आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स को टारगेट करते जाओ, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका ठीक है, और इनका भी 1,000 की रेंज में है, आप और देखो थोड़ा सा। एप्पल क्रिस्प्स, इस पे आपकी जो मंथली वॉल्यूम है वो 6,000 समथिंग है, डिफ़िकल्टी मीडियम है और 4.72 है, इसे आप टारगेट कर सकते हो। आपने कॉपी करा इसे, कंट्रोल सी दबाया और अपनी फाइल में से, एंड आपने फूड 52, आई थिंक ये किसी चैनल का नेम है। हाँ सो बेसिकली कोई भी चैनल का नेम आपको यहाँ पे कॉपी नहीं करना है। वाइल्ड राइस जो टाइटल है इसको आप कॉपी कर सकते हो, बिकॉज इस पे जो सर्चेस हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 समथिंग है, 7,800, एंड इसका जो डिफ़िकल्टी है वो लो है। सो आपको ऑब्वियसली इस कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। आपने इसे पेस्ट कर लिया, इसे आप कॉपी कर सकते हो, बिकॉज इस पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो लो 0.00, और इसकी जो मंथली वॉल्यूम है वो भी 1,000 1.5 थाउजेंड समथिंग है। सो आपको ऑब्वियसली इसे कंसीडर करना चाहिए। नाउ इस तरह से आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। बेसिकली आपको जो टाइटल में रखने हैं दो से तीन कीवर्ड्स ही रखने हैं, सो आप दो से तीन कीवर्ड्स ही यहाँ जो आपको इस लिस्ट में से अच्छे लगे वो आप कॉपी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर यूट्यूब वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में बताया एक फ्री वेबसाइट जहाँ से आप आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हो, keyword.io, एक फ्री वेबसाइट जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर सर्च इंजन पे क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, वो आप जान सकते हो। लाइक कुकिंग वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पर, कुकिंग विद पेरिस बहुत ट्रेंडिंग में है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो इस यहाँ से भी आप कीवर्ड्स का एक आइडिया ले सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि मैनुअली कैसे आपको कीवर्ड्स को सर्च करना है, वो मैंने आपको बताया कि आपने कुकिंग सर्च करा तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पे लोग कुकिंग सर्च कर रहे हैं, कुकिंग शुकिंग सर्च कर रहे हैं, कुकिंग वीडियो सर्च कर रहे हैं, कुकिंग रेसिपी सर्च कर रहे हैं। सो ये आपको एक तरह की लिस्ट मिल गई यूट्यूब से भी। नाउ अब आपको इसका कंपटीशन, इसका सर्च वॉल्यूम कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई जिसका नाम vidIQ था। आपने उसे क्रोम में इंस्टॉल करा, फिर आप यहाँ से हर कीवर्ड पे उसका डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ से देख सकते हो, कंपटीशन कितना है उसका, हाई है, वेरी हाई है, और उसका ओवरऑल स्कोर क्या है SEO में, वो आप चेक कर सकते हो। सो जिस भी कीवर्ड का कंपटीशन यहाँ मीडियम टू लो होगा उसे आपको टारगेट करना है, जिसका हाई या वेरी हाई होगा उसको आपको स्किप कर देना है। सो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च की एक वेबसाइट बताई जिसका नाम एस सुपर टूल्स था, जहाँ से आप कीवर्ड्स को इजीली टारगेट करके उसका सर्च वॉल्यूम पता लगा सकते हो, कितनी सर्चेज उस पर आई, कितना उसका कंपटीशन है, मंथली वॉल्यूम क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है। सो आपको यहाँ पर ऐसे दो तीन कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जिनका मंथली वॉल्यूम ज़्यादा हो एंड उसकी डिफ़िकल्टी लो से मीडियम हो, हाई ना हो, वेरी हाई ना हो। ओके ओके सो इफ़ यू लर्न समथिंग देन कंसिडरिंग सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मेकिंग मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ फॉर यू। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।